हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में मैथ एन सी आर टी का चैप्टर नंबर फोर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर हंड्रेड दे रखा है हमें दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए पहले इनको नॉर्मल करना पड़ेगा और नॉर्मल करने का तरीका ये होता है कि फोर का टेबल वन तक पढ़ें फोर वन जो फोर प्लस वन फाइव फाइव इसको भी नॉर्मल करें टू सिक्स जो ट्वेल्व ट्वेल्व में वन ऐड कर दिया थर्टीन बाई नॉर्मल करने के बाद फोर और टू दो नंबर दे रखें इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम फोर और टू का ठीक इनमें टू का डिवाइड जा रहा है तो टू का डिवाइड दें टू टू ज़ा फोर टू वन जॉ टू फिर टू का डिवाइड जा रहा है टू वन ज़ा टू तो टू तो और टू को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनका एलसीएम आ जाए टू टू जै फोर यहाँ फोर लिखा दो डिवाइड के बॉक्स बनाने दोनों में क्या लिखना है फोर लिख देना है यहाँ फोर दे रखा फोर का डिवाइड देंगे फोर वन ज़ा फोर कितना है वन मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से टू का डिवाइड देंगे टू टू ज़ा फोर कितना आंसर आया टू मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से तो फाइव वन ज़ा फाइव थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स अपॉन में फोर दोनों को ऐड कर देंगे थर्टी वन अपॉन में फोर हो जाएगा और अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो तो थर्टी वन में फोर का डिवाइड देंगे फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट थ्री बच गया तो जो आंसर आया वो यहाँ रिमाइंडर को ऊपर और जिसका डिवाइड दिया वो नीचे आ जाएगा क्लियर और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड यहाँ पे कंप्लीट होता है अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन को इसमें बोला है क्वेश्चन में कि कैटरीना रोड हर बाईस बाईसाइकल सिक्स वन बाई टू किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड एट थ्री बाई फोर किलोमीटर इन द इवनिंग फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑल टुगेदर ऑन दैट डे यानी कि कैटरीना ना नाम की कोई लड़की है जो कि इतना किलोमीटर मॉर्निंग में चलती है और इतना किलोमीटर इवनिंग में चलती है तो बताओ उसने टोटल कितनी दूरी तय कर दी है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो यहाँ लिखते हैं हम बाईसाइकिल रोड बाय कैटरीना इन मॉर्निंग मॉर्निंग में कितना चलाया उसने सिक्स वन बाई टू जिसको नॉर्मल करेंगे छः दोनी बारह और एक तेरह थर्टीन बाई टू किलोमीटर मॉर्निंग में चलाई ठीक है बाईसाइकल रोड बाय कैटरीना इन दी इवनिंग इवनिंग में चलाई उसने एट थ्री बाई फोर किलोमीटर नॉर्मल करेंगे एट फोर सा थर्टी टू थर्टी टू में थ्री एड करेंगे थर्टी फाइव बाई फोर किलोमीटर इतना उसने बाईसाइकल इवनिंग में चलाया मॉर्निंग का ये और इवनिंग का ये टोटल उसने कितना डिस्टेंस किया है ट्रैवल वो हम बताएंगे ठीक है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कैटरीना तो इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे थर्टीन बाई टू एंड थर्टी फाइव बाय फोर ऐड करने के लिए दोनों का एल्शियम लेना पड़ेगा टू और फोर दोनों का एल्शियम लेंगे टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू को टू से मल्टीप्लाई के कितना है फोर तो यहाँ फोर लिखा टू में फोर का डिवाइड देंगे टू टू ज़ा फोर टू आएगा मल्टीप्लाई में थर्टीन फोर का इसमें डिवाइड देंगे फोर वन ज़ा फोर मल्टीप्लाई में थर्टी फाइव थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स थर्टी फाइव वन ज़ा थर्टी फाइव दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी वन अपॉन में फोर किलोमीटर अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो उसका तरीका क्या होगा देखो जो मैंने इस तरफ करा सारा रफ वर्क है आपको समझाने के लिए किया है फ़ोर वन ज़ा फोर उतारा टू उतारा वन तो यहाँ पे फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी कितना बच गया वन तो जो ऊपर आया वो आपका किलोमीटर होगा जो बच गया ये ऊपर और जिसका डिवाइड दे वो नीचे यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फिफ्टीन वन बाई फोर किलोमीटर क्लियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन यहाँ पे कंप्लीट होता है अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू जिसमें बोला गया है अ रेक्टेंगल इज अ डिवाइडेड इंटू द सर्टिन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एक रेक्टेंगल को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है पता नहीं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इफ़ सिक्सटीन पार्ट ऑफ फॉर्म रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन वन बाय फोर उसके जो सोलह पार्ट है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं वन बाई फोर फ्रैक्शन को तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट इन विच द रेक्टेंगल हैज़ बिन डिवाइडेड यानी उस रेक्टेंगल को कितने टोटल पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है आपको समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ठीक जैसे कि मैंने रेक्टेंगल बना लिया अब इसको कुछ इस तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है अब मुझे भी नहीं पता कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम ले लिया है ठीक तो यहाँ पर सोलह पार्ट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सोलह जो पार्ट है ना, जितने मैंने मार्क करे यहाँ पे, यहाँ तक ये यह सारे ये सारे सोलह जो पार्ट हैं इसके ये यह वाले यहाँ तक ठीक है यहाँ तक सिर्फ रफिए सोलह पार्ट रिप्रेजेंट करते वन बाई फोर फ्रैक्शन हुआ पता नहीं आगे और भी कितने पार्ट बने हुए हमें नहीं पता तो मैं मान लेता हूं लेट टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टोटल पार्ट मैंने एक्स मान लिया ठीक है।, है इसी का वन बाई फोर अगर हम निकालते हैं टोटल पार्ट का तो वो सिक्सटीन आता है यहाँ लिखेंगे वन बाई फोर ऑफ एक्स इक्वल आता है सिक्सटीन की क्योंकि एक चौथाई इसका सोलह के बराबर आ रहा है तो वन बाई फोर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इन टू में एक्स अब देखो ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड के दूसरी इक्वल टू तो के दूसरी तरफ ऊपर है नीचे आ जाएगा तो सोलह चौके चौसठ यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी फोर यानी कि इस रेक्टेंगल को टोटल सिक्सटी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ लिख देता हूँ मैं रेक्टेंगल इज डिडेड इन टू सिक्सटी फोर इक्वल पार्ट्स क्लियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू यहाँ पे कंप्लीट होता है अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर थ्री वन हंड्रेड थ्री में बोला है ग्रिप साइज ऑफ अ टेनिस रैकेट इज इलेवन नाइन बाई एटी सेंटीमीटर एक्सप्रेस द साइज एन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता तो ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर ठीक है यानी डिनोमिनेटर का बड़ा होना और डिनोमिनेटर का छोटा होना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रिप साइज ऑफ अ टेनिस रैकेट इलेवन नाइन बाई एटी सेंटीमीटर अब इसको नॉर्मल करना नॉर्मल करने का तरीका यह है कि 80 को मल्टीप्लाई करो 11 के साथ तो 11 एट या एटी एट जीरो या ज़ीरो लगा दिया ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो दोनों को ऐड करेंगे 889 हंड्रेड अपॉन में 80 सेंटीमीटर ये उसकी टोटल और टेनिस रैकेट की टेनिस रैकेट की ग्रिप साइज़ की लेंथ होगी क्लियर और इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जो हमने यहाँ पर कर दिया है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 103 हंड्रेड थ्री यहाँ पर कम्प्लीट होता है अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को बोला है ऑन एन एवरेज वन बाई टेन वन बाई टेन ऑफ फूड ईटन इज टू टर्न इन टू ऑर्गेनिज्म ओवन बॉडी यानी कि जो भी एवरेजली माना गया है कि जो भी फूड खाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा तो उसका वन बाई टेन पार्ट कन्वर्ट हो जाता है इसकी ओवन बॉडी के अंदर एंड इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर इन द फूड चैन यानी फूड चैन के अगले लेवल के लिए वो ट्रांसफर हो जाता है वट फ्रैक्शन ऑफ द फूड इटर्न इज़ नॉट अवेलेबल फ़ॉर द नेक्स्ट लेवल तो कितना फूड का पार्ट जो है वो अगले लेवल के लिए ट्रांस अवेलेबल नहीं होगा वट फ्रैक्शन ऑफ द फूड इटर्न इज़ नॉट अवेलेबल जो उन्होंने फूड खाया वो कितना पार्ट उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो भी वो फूड खाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका सिर्फ वन बाई टेन पार्ट तो आगे की चैन में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन बाकी का पार्ट नहीं हो पाता तो बाकी का पार्ट कितना नहीं हो पाता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन या लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन विच टर्नड इनटू ऑर्गेनिज्म ऑन बॉडी जो अपनी बॉडी में बदल लेता है कितना वन बाई टेन किसका टोटल फूड का ऑफ टोटल फूड टोटल फूड का वन बाई कन्वर्ट कर लेता है कितना पार्ट अवेलेबल कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं द क्वांटिटी ऑफ फूड इटन विच इज नॉट टर्न फोर द नेक्स्ट लेवल तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल पार्ट हमारा वन है वन में से ये वन बाय टेन को कर लेता अपने बुढ़ी में कितना पार्ट नहीं कर पाता तो टोटल में से वन बाई टेन को हटा देंगे एल्शियम लिया हमने ठीक है नीचे कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे टेन वन जन माइनस का वन अब टेन में से नाइन वन जाएगा कितना बचेगा नाइन बाई टेन यानी कि नाइन बाई जो टेन पार्ट है वो आगे ये अगले लेवल के लिए ट्रांसफरेबल नहीं कर पाएगा ठीक है अगले लेवल के लिए अवेलेबल नहीं होगा वो फ्रैक्शन होगा फूड रिटर्न इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल के इतना फूड अवेलेबल नहीं होगा क्लियर इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव को बोला मिस्टर राजन गॉट जॉब एट द एज ऑफ ट्वेंटी फोर ईयर चौबीस साल की एज में उनकी कोई नौकरी लग गई और वो रिटायर्ड होंगे ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब एट द एज ऑफ सिक्सटी सिक्सटी ईयर पर वो रिटायर हो जाएंगे वॉट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज रिटायरमेंट वाज ही इज इन द जॉब यानी कितना फ्रैक्शन होगा जब उनकी एज सिक्सटी पहुंच चुकी होगी उसका हाँ रिटायरमेंट की एज पे फ्रैक्शन हमें बताना है तो फिलहाल के लिए आज जो उनकी एज है जिससे में उनकी नौकरी लगी वो कितनी है ट्वेंटी फोर है तो यहाँ पर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ राजन्स एज ऑन द जॉइनिंग जॉइनिंग कितनी है ट्वेंटी फोर और रिटायरमेंट एज वन की दे रखी है सिक्सटी इयर्स ठीक तो उन्होंने कितने टाइम तक वर्क किया नाउ ही डिड द जॉब सिक्सटी में से ट्वेंटी फोर को माइनस कर लेते हैं तो थर्टी वो टोटल हो जाएगा थर्टी सिक्स ईयर क्लियर उन्होंने थर्टी सिक्स ईयर तक अपनी जॉब की अब इसी पार्ट को हमें एज अ कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में ठीक है फ्रैक्शन बताना है ही डिड द जॉब तो जितने साल उन्होंने काम किया वो ऊपर और उनकी टोटल एज कितनी पहुंची होगी सिक्सटी तो उसका डिवाइड कर देंगे इन दोनों नंबर में दोनों नंबर सिक्स की टेबल में आ रहे, का रहे। है, सिक्स का डिवाइड जा रहा है सिक्स सिक्स ज़्याटी सिक्स सिक्स टेन ज़ा सिक्सटी अभी भी दोनों में टू का डिवाइड जा रहा है तो क्या करेंगे टू थ्री ज़ा सिक्स टू फाइव ज़ा टेन अब इसके आगे किसी का डिवाइड नहीं जा रहा तो यानी कि फाइनल फ्रैक्शन हमारा ये वाला होगा थ्री बाई फाइव और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव यहाँ पर कंप्लीट होता है उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें